मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास ट्वेल्थ जो फरवरी में एग्ज़ाम है, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। हर एक दिन अब 15-15 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ठीक है? आप लोग इसको समझिए, बोर्ड में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आने वाला है। चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सवाल बनाना शुरू करते हैं ना। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन देख रहे हैं हम लोग। पहला सवाल है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन थ्री माइनस एक्स इज। देखिए पहला ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन सही है। क्लोज इंटरवल फ्रॉम वन टू थ्री। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? एक्स माइ फोर एफ एक्स टू भी डिफाइंड करेंगे, एक्स माइनस वन थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इनइक्वालिटी को सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। करा ए एंड बी आर ए एंड बी बी एनी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन ए बी का इन्वर्स क्या होगा? तो उल्टा हो जाता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट कर रहा है, इफ आर इज ए फंक्शन फ्रॉम आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू फाइव एक्स प्लस फोर देन एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू। देखिए एफ एक्स को वाई मान लीजिए, यहाँ से एक्स निकाल लीजिए तो आ जाएगा पहला आंसर एक्स माइनस फोर बाई फाइव। चलिए नेक्स्ट सवाल भी उसी तरह से, इसको भी एफ एक्स को वाई मानिएगा, है ना? यस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है, हर बार पूछा जाता है। यहाँ भी निकालिएगा तो ये ऑप्शन सही होगा एक्स माइनस थ्री बाई टू। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। मैट्रिक्स कह रहा है इफ़ ए इक्वल टू दिया हुआ है मैट्रिक्स और ऑप्शन है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कहने का मतलब डिटर्मिनेंट इसका निकालेंगे जीरो नहीं आएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका भी ये है वन टू दिया है टू तो बाहर आ जाएगा, टू स्क्वायर हो जाएगा डिटर्मिनेंट जितना ऑर्डर का रहता है, टू स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट फोर ये हो जाएगा। अगला देखिए, ए बराबर बी दिया हुआ है, ठीक है? ए इक्वल टू इतना बी इक्वल टू इतना दिया हुआ है सातवां नंबर क्वेश्चन में, तब हम लोग को देखना है ए स्क्वायर बी, तो वैल्यू अल्फा का निकालोगे आएगा कितना, दोनों को गुना कर लेना है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी करोगे तो अल्फा का वैल्यू फोर आएगा। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए, सिक्सटी माइनस सिक्सटी जीरो, ये आंसर सही है। नेक्स्ट दीजिए, ये दिया गया है स्क्वायर, ये मैट्रिक्स है, इसको दो बार गुना करिएगा तो यही आएगा, ठीक है? आगे एक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है डिटर्मिनेंट एक्स है तो थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी फोर जीरो, तो एक्स इक्वल टू एट आ जाएगा, ये ऑप्शन सही है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं, ए भी वी आई है एलेवन, ए आई जे एम बाई ए जे स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब रो कॉलम बराबर होगा, एम इक्वल टू एन होगा। अगला देखिए, इसमें क्या करिए, इसमें गलती करते हैं लोग, इक्वल नहीं करना है हम लोग को, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इसका सॉल्व करोगे एक्स इक्वल टू माइनस फाइव आएगा, ठीक? राय वो मेगा जे रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, इतना नॉन रियल रूट है। तो देखिए वन ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है तीन, एक रियल होता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना? तो इसका वैल्यू तीनों का सम जीरो होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ये सही है जीरो। नेक्स्ट कह रहा है मैट्रिक्स ए आई जे एम एन एन है, इस सेट टू बी, इसमें कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक है, सिमेट्रिक के कब कहलाएगा? जब ए आई जे इक्वल टू ए जे आई रहेगा, ये ऑप्शन सही है। ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है तो ए स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर करेगा ना इसका तो आ जाएगा, इसको दो बार गुना करिएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन आता है। मैट्रिक्स में है पूरा कॉमन लिया जाता है तो थ्री आ जाएगा, थ्री थ्री कॉमन लेंगे ना तो थ्री, और डिटर्मिनेंट सी ऑप्शन सही होगा इसका, पंद्रह का सी। इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स का दो को वैल्यू आएगा एक दो और पाँच, है दैट्स ऑल। इस तरह से हम लोग आज 16 क्वेश्चन देखे हैं, है ना? एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं आएगा, प्लीज़
चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।